शांति, आज सुनते हैं 15 नवंबर 1999 की अव्यक्त वाणी। टाइटल है बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते हैं। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक-एक रत्न कितना अमूल्य है, हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर रहते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे, वह क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। तो है ना, सभी आज्ञाकारी कहे हाँ जी बाबा। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा संकल्प, वाणी और कर्म, तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि ये करे या ना करे, ये राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है, परमात्मा आज्ञा ही सदा श्रेष्ठ है। तो सभी कुमार जो भी आए हैं, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं ना। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया कि बाबा ये तन मन जो धन जो भी है सब आपका है, ये वायदा किया है ना सभी ने। संबंध भी सब आपसे है, ये भी पक्का वायदा है ना। कहे हाँ जी बाबा। तो फिर मेरा कुछ रहा, मेरापन रहा नहीं ना, सब बाप से है तो फिर मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। बाबा कहते होता ही क्या है, तन मन धन जन सब बाप के हवाले कर दिया, जो है वो सब बाप के हवाले कर लिया। तो बाबा कहते हैं तो ये पक्का है ना सभी को। कहे हाँ जी बाबा। जब मन भी बाप का हुआ तो मेरा मन ही नहीं, तो मन किसका है? बाबा का है, तो मेरा समझकर यूज नहीं करना। जब मन बाप को दे दिया है तो ये आपके पास उनकी अमानत है, फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं, अमानत है, तो फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में खयानत नहीं है? है ना अमानत में खयानत? कहे हाँ जी बाबा। माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर देह अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा? सब बाबा को दे दिया तो मेरा ये शब्द ही रॉन्ग है। बाप का है सिर्फ कहना है या करना है? नहीं ना, करना है ना, तो कहना बाप का और मानना मेरा, ये तो रॉन्ग हो गया। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि ना बॉडी कॉन्शियस का, हाँ बॉडी कॉन्शियस का वायदा याद करो कि हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में जो थे तो वो भी मैं है ना मेरा, हाँ ये मैं भी मेरा नहीं, मेरा भी मेरा नहीं, तो बॉडी कॉन्शियसनेस वाला मैं और मेरा इसको डिलीट कर देना है। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत ही क्या है? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, मैं और मेरा। न आपका तन है न बॉडी कॉन्शियसनेस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू संकल्प करो, ये बाप की आज्ञा है क्या? नहीं ना। तो
जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूं, बाप की ये आज्ञा है या नहीं है यह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूं। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन, आज्ञाकारी हूं या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले, कभी कभी वाले, दो कश्तियों में पैर रखने वाले तो नहीं है ना, नहीं तो बीच में ही डूब जाते हैं। इसलिए अटेंशन प्लीज। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वह राम राम कहते आप बाबा बाबा कहते रहो, लेकिन दिल से कहो बाबा। तो उनमें और हमारे में अंतर क्या हो जाए। तो हर कर्म के करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। डबल अंडरलाइन, बाबा की जो आज्ञा है वैसे यथार्थ हमारा तन मन धन यूज होना चाहिए, कहीं पे भी वेस्टेज की लीकेज ना हो। तो ये अटेंशन रहे, मन भी बाबा का, तन भी बाबा का, तो धन भी बाबा का, सब पोता मिल होना चाहिए। कैसे यूज कर रहे हैं, है ना। बाबा कहते हैं पोता मिल कैसे रखना है मालूम है ना सभी को, मालूम तो है ना, सभी कचेरी ग्रुप में भेजते भी है, जो जो भेजते हैं रेगुलर वो हाथ ऊपर करे, मुबारक है, बाकी भी भेज सकते हैं। तो बाबा पक्का कराते हैं तो निश्चिंत हो जाएंगे, फिर बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि अब सब का लक्ष्य है डबल लाइट रहना, है ना सभी का ये लक्ष्य। तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी तो चाहिए ना। ऐसे लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में लाओ। अच्छा, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 4 से 4:30 एक लिंक में, सेकेंड लिंक 4:45 से 5:15 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली, और रात्रि क्लास 9:15। शुभ रात्रि, ओम शांति।